आज मैं गेम प्ले के साथ साथ जो आप लोगों का क्वेरी था कमेंट सेक्शन में बहुत सारा क्वेश्चन मिला है उसका आंसर भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, रामी से कितना कमाई होता है, हर दिन कितना कमाई होता है या फिर हर महीने कितना कमाई होता है। दोस्तों एक बात जान लो, रामी खेल के रातों रात करोड़पति नहीं बन जाता। जो आप लोगों को ऐड देखने मिलता है 50,000 कमाई हुआ है या फिर 1,00,000 कमाई हुआ, ये सब फेक है। रामी तो सबको खेलना आता है, लेकिन एप्स के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग देखना कि एप्स पहले पहले अच्छा पत्ता देगा, आपको जीतने देगा, उसके बाद 1,000, 1,000 या 2,000 पैसा हो जाने के बाद और अच्छा पत्ता नहीं देगा, तुम्हारा जितना अमाउंट था वो भी जाएगा। अभी आप लोग बोलोगे तुझको तो सब पता है, फिर तू क्यों खेलता है। हाँ भाई, आप लोगों को भी बताता हूँ कैसे रामी खेलना है और एप्स को किस तरीके से यूज करने से अच्छा कार्ड मिलेगा। दो चार मेन एप्स है वो डिस्कस करते हैं। पहले आता हूँ रामी सर्कल। रामी सर्कल में न्यू अकाउंट को सिर्फ अच्छा कार्ड मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। न्यू अकाउंट में फ्री का टूर्नामेंट भी मिलता है, वो जो बॉस टूर्नामेंट है वो भी मिलता है सिर्फ न्यू अकाउंट में, ठीक है। जब अपना आपका अकाउंट 2 हफ्ता या 3 हफ्ता हो जाएगा ना, उसके बाद अच्छा कार्ड नहीं मिलेगा। इसलिए रामी सर्कल में आपको खेलना है सिर्फ टूर्नामेंट, सिर्फ टूर्नामेंट खेलो, 4,000 से 5,000 रुपया आपको हो जाएगा, मतलब महीने में 4,000 से 5,000 रुपया आपको श्योर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कैश खेलना चाहते हो उसके बाद खेलो, 3 हफ्ता हो जाने के बाद, 3 या 4 हफ्ता हो जाने के बाद खेलो, देखो क्या होता है, उसके पहले मत खेलना, नहीं तो आपका मानी नहीं होगा। आगे बात करता हूँ रामी कल्चर। रामी कल्चर में ऐसा होता है जब आपने लॉगिन करते हो तभी अच्छा कार्ड मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। ऐसा कर सकते हो रामी कल्चर में, आप कुछ दिन खेलो, ठीक है, पहले 1-2 गेम खेलो, देखो अच्छा कार्ड नहीं दे रहा है तो सही है खेलो, नहीं तो आप 1 हफ्ता गेम को स्टॉप कर दो, गेम को ओपन भी मत करो, उसके बाद अच्छा कार्ड मिलेगा। जब आपको अच्छा कार्ड नहीं मिलता है तब 1 हफ्ता स्टॉप कर देना गेम को, मतलब एप्स को ओपन ही नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग खेलेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। अभी बात करता हूँ बिग गेस में। बिग गेस में 100 रुपया मिनिमम विड्रॉ अमाउंट है, इसलिए 100 रुपया होने नहीं देता, सिर्फ टच करके टक से वापस आ जाता है। इसलिए 100 रुपया हो जाने के बाद आप विड्रॉ कर लेना, तुरंत विड्रॉ कर लेना। विड्रॉ करने के बाद 20 रुपया या 30 रुपया उसके बाद अकाउंट में ऐड करो, उसके बाद खेलो। इसके बाद बात करता हूँ रामी एक्सपर्ट क्लब के बारे में। यहाँ पे भी सेम रूल, आप पहले एप्स को ओपन करो, उसके बाद 4 रुपया या 8 रुपया का गेम खेलो, अगर पत्ता दे रहा है तो ज़्यादा अमाउंट का खेलो, नहीं तो आप गेम को स्टॉप कर रहे हो। यहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए स्टॉप नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए स्टॉप करने से आपको अच्छा कार्ड मिल जाता है, उसके बाद खेलो। फिर से अगर आपको पत्ता नहीं मिल रहा है फिर से स्टॉप करो, फिर से खेलो, थोड़ा थोड़ा करके विनिंग होगा, फिर आप लोगों को लॉस तो नहीं होगा ना। उन लोगों ने सभी ऐप्स को ऐसा ही बनाया है, लेकिन एक ऐसा ऐप्स है जिसे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, वो है जंगली रामी। जंगली रामी में सबको समान पत्ता मिलता है, मतलब किसी को न्यू अकाउंट है किसी को ओल्ड अकाउंट है उसमें कोई बात नहीं है। ओल्ड अकाउंट को भी जैसा पत्ता मिलेगा न्यू अकाउंट में वैसा ही पत्ता मिलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिलता है और टूर्नामेंट में एक एक करके क्वालिफाई करता है, ये इसका वीक पॉइंट है। इसके बाद आप लोग बताए कि लाइव गेम प्ले करो, लेकिन मेरे से नहीं होगा लाइव, क्यों बता देता हूँ। मेरे पास एक ही फ़ोन है, यहीं से मैं खेलता हूँ, यहीं पर मैं अपलोड करता हूँ, यहीं पे एडिटिंग सब कुछ इसी में करता हूँ। और मेरे गांव में जहाँ पे मेरा गांव है यहाँ पे टावर वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं 0.5 किलोमीटर जाके वहाँ पे खेलता हूँ, वहाँ पे अपलोड करता हूँ, सिर्फ घर बैठ के उसको एडिटिंग करता हूँ। फिलहाल तो मैं लाइव नहीं कर सकता, लेकिन बाद में जरूर ट्राई करेंगे। अभी बात करता हूँ मेरे वीडियो के बारे में। VPN कनेक्ट करके भाई अच्छा कार्ड मिलता है रामी सर्कल में। रामी सर्कल में लोकेशन के साथ रिलेशन है। आप लोग अगर आप लोग रामी की आदत लग चुका है, हर दिन खेलते हो, हर घंटे में खेलते हो, तब आपको कैसा होगा। मैं जैसे आपको बताया हूँ धीरे धीरे करके कमाओ, ये लाइफ टाइम का खेल नहीं है। और एक बात है, वो 20-30 हज़ार का गेम प्ले मैंने नहीं खेला था, मैंने मेरा दोस्त खेला था। पहले पहले उससे रिकॉर्डिंग लिया करता था, लेकिन अभी नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर उसका लॉस हो जाएगा तो मेरे को बोलेगा कि आपके वीडियो बनाने चक्कर में मेरा इतना लॉस हो गया, इसलिए उससे लेना बंद कर दिया अभी। इसके बाद बात करता हूँ रेड एंड ब्लैक ट्रिक के बारे में। इसमें क्या होता है पता है, मैंने 2-2 वीडियो बनाया था, फिर से मैंने उसको डिलीट कर दिया, अपलोड ही नहीं किया। पहले मैंने उसको 2 घंटा या 3 घंटा खेल के उसका ट्रिक निकाला, उसके बाद बनाया। उसके बाद जब आप वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ उसके उसी टाइम अपना दोस्त का फ़ोन लिया, देख रहा हूँ कि ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं, उस टाइम काम नहीं कर रहा है, मतलब हर रोज़ हर दिन ये ट्रिक उसका जो पैटर्न है वो चेंज होते रहता है, इसलिए कुछ ट्रिक अभी तक नहीं ला पाया कि, लेकिन गेम प्ले ज़रूर लाएंगे, ठीक है। विनिंग टिप्स आपको दे सकता हूँ, गेम प्ले लाएंगे। मैं जो जो गेम खेलता हूँ या फिर जो जो ऐप्स मैं यूज करता हूँ ये पूरा टेस्टेड है, क्योंकि मैंने उसमें खेला है, खेल के मैंने विड्रॉ भी किया हूँ, विड्रॉ वगैरह करके सब कुछ सही है, तभी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। मेरे गांव में देखने के लिए बहुत कुछ है। आप लोग अगर ब्लॉग चाहते हो नीचे कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे किन परिस्थितियों का मेरे को सामना करना पड़ता है, मेरा क्या लाइफस्टाइल है, और मैं खेतीबाड़ी भी करता हूँ, ठीक है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा।
और किसी का क्वेरी अगर रह गया तो मैं इसको टेलीग्राम में सॉल्व कर दूंगा। किसी का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को बता सकते हो, अकाउंट रिलेटेड या केवाईसी रिलेटेड या रामी के रिलेटेड कुछ भी आप मेरे को बता सकते हो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम पे दे दूंगा या फिर यूट्यूब में वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज, टेक केयर।